नमस्कार, काफी स्वागत है आपका डेज के हमारे से न्यूज़ कार्यक्रम में। और आज हम फिर से हाजिर है बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ। तेजस्वी यादव ने छुए बड़े भाई के पैर, तेज प्रताप बोले अब सारे दुश्मन हो जाए धराशाही, अब आपको गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं, 3 साल दिन तक बिना ड्राइवर मिलेगी किराए पर कार। गुरु नानक देव की 550वें प्रकाश पर्व पर होगी सरकारी छुट्टी। राम मंदिर और 3 तलाक जैसे मुद्दों से NDA को हो सकता है नुकसान, कहा चिराग पासवान ने। बिहार में हाई स्कूल और प्लस टू की होगी बेस्ट ऐप से मॉनिटरिंग। NDA छोड़ दे नीतीश कुमार, नहीं तो हो जाएगा अस्तित्व का समाप्त, कहा कांग्रेस ने। बिहार में हर गांव से कम एक आदमी जरूर आए कुंभ में, कहा वीता ने। बिहार में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में शख्स को 10 साल की सजा और 25,000 जुर्माना। अगले 3 महीनों में 3100 डॉक्टरों की होगी नियुक्ति, मार्क्स बेसिस पर होगा चयन। पुलिस विभाग में चाहिए नौकरी तो उन्हें तो रहे तैयार, 1074 थाना मैनेजर की होगी नियुक्ति। बिहार के भागलपुर में महिला ने 3 मासूम बच्चों को शौचालय की टंकी में फेंका, 3 की मौत। CM नीतीश को मिला लोजपा नेता का साथ, सरकार पर सवाल उठाने वाले BJP सांसदों को घेरा। आज भी नाव से घर पहुंचने वाले दीपक ठाकुर अब बनाएंगे अपने गाँव आथर को आदर्श गाँव। बिहार में खेत में खेल रहे थे बच्चे, अचानक फटा 4 बम। अश्वनी चौबे ने महागठबंधन को बताया महाठगबंधन, कहा अब हिंद महासागर में डुबो देंगे। लालू प्रसाद यादव को कई बीमारियां, स्थिति ठीक नहीं, कहा शरद यादव ने। शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार पर किया हमला, कहा कानून व्यवस्था पर मौन व्रत तोड़े CM। CBI चार्जशीट जारी, ब्रजेश ठाकुर की लंका में बच्चियों को ब्लू फिल्म दिखा, कुर्सी से बांध कर करते थे रेप। प्रकाश पर्व की तैयारी का CM ने लिया जायजा, बोले श्रद्धालुओं को नहीं होगी कोई भी दिक्कत। ये थी बिहार से जुड़ी 20 हद अहम खबरें। हम कल से राजधानी में कुछ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहो न्यूज़ चैनल, और अगर आप हम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू सो मच।